सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू सेलेस एडिटिंग जोन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई बिल्कुल फोर स्टेप में गाइस कुछ इस टाइप की कमाल की फोटो एडिट करना आप लोगों को सिखाने वाला है और बहुत ही सिंपल तरीके से गाइस बताने वाला हूँ। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को एंड तक देख लेगा वो इस टाइप की एडिटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से गाइस कर सकता है। तो वीडियो को गाइस एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। और आप इंस्टा पे फॉलो नहीं किए अपने भाई को तो जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइप की कमाल की एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास से ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाके इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कर लेने के बाद सिंपल से गाइस ओपन करके प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा और आप जिस भी फोटो को गाइस एडिट करना चाहते हैं वहां से सिंपल से इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने गैलरी से। और गाइस आपका भाई बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला है, एक एक स्टेप क्लियर कर देगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से गाइस आप भी एडिटिंग कर लेंगे। तो फोटो ओपन हो जाने के बाद सिंपल से पहला स्टेप गाइस आपका ये होने वाला है, साइड में पेंसिल के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। और देन दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ऐसे नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक विंटेक का ऑप्शन मिलेगा, तो विंटेक के ऑप्शंस पे गाइस आप क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों, क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको एक लास्ट में 12 नंबर का फिल्टर मिलेगा और इसे लेने के बाद गाइस सिंपली आप नीचे आके इसकी सैचुरेशन को हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे। और देन दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आके ना इसकी स्टाइल स्ट्रेंथ को हम लोग पूरा एकदम इंक्रीज कर देंगे, यानी कि +100। और देन दोस्तों, थोड़ा सा और नीचे आके इसकी विग्नेट को हम लोग थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज करेंगे। और ये सारी सेटिंग गाइस आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग करके और नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो गाइस आपके यहाँ से ब्लैक हो जाएगी। तो सिंपल से आपको ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक करके ब्यूडिट के ऑप्शन, विंटेक वाले ऑप्शंस पे गाइस क्लिक करके ब्रश को यहाँ से लेके ना इस वाले ऑप्शंस पे गाइस आप क्लिक कर दीजिएगा और साइज यहाँ से आपका 0 मिलेगा। और 0 मिलने के बाद फोटो को ऐसे आप जूम करके और आपको अपने स्क्रीन पे से इस इफेक्ट को ऐसे रिमूव करना होगा। तो मैं गाइस फटाफट से कर लेता हूँ, आप लोग भी फटाफट से अपने पूरे स्क्रीन पे से इस इफेक्ट को रिमूव कर दीजिएगा। और गाइस इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैकग्राउंड में किसी भी कलर को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं वन क्लिक में। तो वीडियो में गाइस पूरा मजा आने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिएगा गाइस। सो गाइस सिंपल से आपको नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको यहां से बैक आना होगा। और बैक जैसे ही गाइस आएंगे तो पूरी फोटो आपकी कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो गाइस क्या करेंगे, पेंसिल के आइकन पे अगेन क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद सिलेक्टिव वाले पे क्लिक करके थोड़ा सा हम लोग अपनी फेस को ब्राइट कर लेंगे। तो आपको अपने फेस पे ऐसे सिलेक्ट करके पंच करके गाइस छोटा करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करके थोड़ा सा नीचे आके सैचुरेशन को डिक्रीज करके और नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे गाइस आप क्लिक कर दीजिएगा। और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी फोटो को देखेंगे कि हम लोग की फोटो काफी ओसम सी दिख रही होगी। तो गाइस इतना सारा प्रोसेस कर लेने के बाद आपको सिंपल से कलर को ऐड करने के लिए पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ढेरों सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको सिंपल ऊपर आना होगा, यहाँ पे कर्व के ऑप्शंस पे गाइस क्लिक करके और आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहले नंबर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके रेड कलर को गाइस सेलेक्ट करके और इसकी कर्व लाइन को बीच से पकड़ के सिंपल नीचे की तरफ लेकर आना होगा। और अगेन गाइस इसी वाले कलर्स के आइकन पे क्लिक करेंगे और इस बार यहाँ पे ब्लू कलर को गाइस लेके इसकी कर्व लाइन को पकड़ के हम लोग नीचे लेकर चले आएंगे। और अगेन इसी जो है इसी आइकन पे क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके कर्व लाइन को इसको बीच से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर साइड में लेकर जाएंगे। और देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों, ऐसे कर लेने के बाद ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करके ब्यूडिट के ऑप्शन और यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके गाइस ब्रश को ले लीजिएगा और इस ऑप्शंस पे क्लिक करके साइज यहाँ से 0 फोटो को ऐसे आप जूम करके आपको अपने स्क्रीन पे से इस इफेक्ट को ऐसे इजिली जो है हटा लेना होगा। तो मैं भी गाइस हटा लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा।
सिंपल से गाइज आप लोगों को ऐसे कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके गाइज आपको यहां से बैक होना होगा। और बैक होते ही गाइज ये फोटो आप लोग देखेंगे कि कितनी बवाल सी दिख रही है और कितना अच्छे से ग्रीन टोन हम लोगों की पूरी फोटो में ऐड हो चुका है। तो अब बारी आती है गाइज कि आप इसमें परफेक्ट तरीके से आप अपनी PNG को कैसे ऐड करेंगे, और इन सारे PNG का लिंक वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप इजिली जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पेंसिल के आइकन पे गाइज आप सिंपल से क्लिक लीजिएगा और नीचे साइड में आइएगा, डबल एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करके गाइस प्लस के आइकन, और यहां से मैंने एक PNG को ले लूंगा गाइस। तो गाइस इस वाली PNG को लेने के बाद ऐसे हम लोग इसे लेके थोड़ा सा इसे ऐसे हम लोग छोटा कर देंगे लगभग इतना, और बीच वाले पे क्लिक करके गाइस इसे हम लोग लाइटेन कर देंगे, और ऐड भी सॉरी गाइस यहां पे ऐड क्लिक कर देते हैं हम लोग, और ऐड क्लिक कर लेने के बाद थोड़ा सा इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लेने के बाद नीचे साइड में ना राइट वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों ऐसे कर लेने के बाद ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को लेके ना इस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों यहाँ से साइज हम लोग 0, और फोटो को ऐसे जूम करके आपके जो भी बॉडी पे ये वाला PNG का इफेक्ट आया है गाइज इसे इजीली ऐसे हम लोग हटा देंगे। तो मैं फटाफट से गाइज हटा लेता हूँ, आप लोग भी हटा लीजिएगा। देन दोस्तों ऐसे कर लेने के बाद नीचे साइड में राइट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा, और बैक आते ही गाइज कुछ इस टाइप की ये PNG आपकी ऐड हो जाएगी बैकग्राउंड में, और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट लग रहा है ये पूरा फोटो। तो एक PNG को गाइज और हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो उसको भी ऐड करने के लिए पेंसिल के आइकन, डबल एक्सपोजर, प्लस का आइकन, और उसे भी हम लोग फटाफट से गाइज ऐड कर लेते हैं। ये रहा रोज का PNG जो है गाइज, इसे हम लोग छोटा करके ना ऊपर साइड में ऐसे लगा देंगे, जो कि गाइज देख सकते हैं मैं कैसे लगा रहा हूँ। और लेने के बाद बीच वाले पे क्लिक करके गाइज इसे भी हम लोग ऐड क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक कर देंगे, और जैसे ही गाइज आप ये पूरी प्रोसेस करेंगे ना तो अल्टू वाला की पूरी फोटो गाइज कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफ़ी औसम एंड फाड़ सी दिख रही है। तो थोड़ा सा गाइज अपनी फेस को भी हम लोग स्मूथ कर देते हैं, तब ये फोटो हम लोग की कंप्लीट एडिट हो जाएगी। तो फेस को स्मूथ करने के लिए पेंसिल के आइकन पे गाइज क्लिक करके पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ से स्मूथ टू ए ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो कर लेने के बाद गाइज आपको अपने पहले वाले नंबर को ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, और देन दोस्तों सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको पूरा इंक्रीज करके और नीचे साइड में राइट क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही गाइज आप ये प्रोसेस करेंगे तो पूरी फोटो आपकी एकदम बवाल सी एडिट हो जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फाड़ सी दिख रही होगी। तो इस फोटो को गाइज सेव करने के लिए इस तीर के आइकन पर क्लिक कर देंगे, सिंपल सेव क्लिक कर देंगे, और हम लोग का ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।